Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए आपा, मैं आपका और आपके भाई का रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन आपसे मजीद एक नया रिश्ता बनाने की हिमाकत नहीं करूंगी मैं। अम्मा, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? है ना तुम्हारी बेटी के पास सारंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठे 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 बैठे। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी की तैयारियां चल रही हैं। मेरी नहीं, किसकी? मैं अभी अख्तर के ससुराल से ही आ रही हूँ। अच्छा, यानी सभी तैयारियों में मसरूफ है। हाँ भाई, जाहिर है, बेटी वालों को तो ज्यादा इंतजाम करने पड़ते है ना। अब देख ले, मेरे बेटे की सास मुझसे कह रही थी कि आप अपने बेटे के कमरे का साइज बता दें ताकि हम फर्नीचर का ऑर्डर दें। अब मैंने तो साफ मना कर दिया भाई, लो बेटी भी लो और ट्रक भर भर के जहेज भी लो। नहीं, हम ऐसे लोग नहीं हैं। देखा, माशाल्लाह कितनी अच्छी सोच है। हाँ भाई साहब, ये जहेज की लानत से तो बस अल्लाह ही बचाए। चलो अच्छा हुआ बेटा तुम भी मिल गए। तुम अपने कमरे का साइज बता दो तो ये है कि फिर मैं फर्नीचर का ऑर्डर दे दूं। नहीं आंटी, आपको फर्नीचर का ऑर्डर देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना रूम खुद डेकोरेट करवा लूंगा। जीते रहो, सलामत रहो, दामाद नहीं मेरे बेटे हो। मेरे अख्तर ने भी बिल्कुल यही जवाब दिया था, लेकिन फिर भी बेटा बेहतर था अगर तुम अपने कमरे का साइज बता देते। तो गरीब की बच्ची है ना, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी के दिल में कोई ख्याल पैदा हो। अरे रे 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 बहन, कैसी बातें कर रही हैं? है? हमने अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से की है, जहेज के लालच में नहीं की है। सच कह रहे हैं भाई साहब आप? 100% सच कह रहा हूँ बहन। आप ऐसा करो, सादगी से शादी की तैयारी करो, रहा वलीमा वो आप लोग खुद कर लेंगे। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो मुझे आपके घर आके ये एहसास होता है जैसे मैं अपने महके में आ गई हूँ। बिल्कुल बहन जी, क्यों नहीं, ये आप ही का घर है। और क्या? जाओ बेटा, जाकर आंटी के लिए चाय बना के लाओ। अरे नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं नहीं आंटी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, ये तो हमारा खुलूस है। शनो, हाँ? बड़ी नसीब वाली है तू, क्या ही अच्छा ससुराल मिला है तुझे, क्या बताऊं? अगर मुझे ऐसी ससुराल मिली होती ना तो इस घर को जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। अम्मा, इतनी तुम जो तारीफें कर रही हो उन लोगों की, मुझे भी तो बताओ कैसा हुआ, क्या है, क्या कर दिया उन लोगों ने? अरे बेटा, है तारीफ के काबिल, बड़े अच्छे लोग है भाई। मैंने जो कुछ कहा फौरन ही मान लिया। अरे मैंने फर्नीचर माफ करवाने वाली बात की तो फौरन सादगी से शादी में रजामंद हो गए। तो तारीफ तो मेरी करो ना, मैंने पसंद किया ऐसे लड़के को और ऐसे ससुराल को। ये बात तो है, बस अब जरा जेवर का मसला हल हो जाए ना, इससे जान छूट जाए तो मसला हल हो जाए। क्या हो गया अम्मा, तुम बिना हाथ दो ना तो कौन ही पकड़ लेती हो। मेरी बात सुनो, सब कुछ माफ करवाओगी ना तो वो लोग हमें भीख मंगा समझेंगे, निकाल बाहर करेंगे। चुप कर, खुराफाती अल्फाज निकाले चली जा रही है। अच्छा खैर, बात बात पे टोका नहीं करो, मुझे भूख लग रही है, खाने में क्या है? खाना तो अक्तर की ससुराल जाके रूबी के लजीज हाथों का खाएंगे। क्या बात है अम्मा, क्या अकल पाई है, बिल्कुल बेटी की तरह सोचती हो अपनी। चलो ठीक है, ये मैं बाद में लगाऊंगी, मैं जाती हूँ और जाके कपड़े निकालती हूँ। फोन कर दो कि हम आ रहे हैं। करती हूँ। चलो भाई जल्दी। ओ सुन, अच्छे से कपड़े इस्त्री कीजिए मेरे। अच्छा बेटे के ससुराल में रो पड़ना चाहिए, जिस तरीके से बेटी के ससुराल से हमदर्दियां वसूल करना।
सीधे वाले चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आंटी। ये लेना। ये लीजिए गर्मा गर्म रोटी। अरे भाई ये लें। बेटा तुम भी बैठ जाओ ना, साथ ही खाना खा लो। अम्मी अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है या फिर? अरे शर्मा रही है, आ जाओ बेटा खा लो हमारे साथ बैठ कर। भाई जैसी शन्नो वैसी तुम। बस मैं वो चाय का पानी रख के आती हूँ। अच्छा जाओ। अच्छा शक्कर ज्यादा, मुझे ना मीठी चाय बहुत अच्छी लगती है, गुड़ जैसी। जी और कुछ? बस अल्लाह खुश रखे तुमको, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे के इसी तरह तुम सास ससुर की भी खिदमत करो और नंद की भी। जाहिर सी बात है, आप इतना प्यार करेंगी तो मेरी बेटी आप लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखेगी। हाँ भाई, इस बुढ़ापे में हम सिवाय प्यार के दे ही क्या सकते हैं। अब देखो ना, शन्नो के ससुराल गई हूँ, एक दो मार्केटें देखी हैं फर्नीचर के लिए और थक गई। अच्छा तो आज आपने शन्नो बेटी के फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया? हाँ ना भाई, मैंने तो बेडरूम के साथ साथ ड्राइंग रूम की भी दो तीन चीजें ऐड करा दी हैं। अब देखो ना, वहाँ पे ससुराल है, उन्होंने हमारी बेटी का ख्याल रखना है भाई। खुशी तो वाबस्ता उन्हीं से है ना, तो उनका भी ख्याल रखना हमारा फर्ज है ना। अब ड्राइंग रूम में हमारी दी हुई चीजें पड़ी होंगी तो आने जाने वाले दोस्त अहबाब ये सब हमारी तो तारीफ करेंगे। हम भी यही सोच रहे थे कि आपके घर आए ताकि रूम का साइज वाइज ले लें, फर्नीचर ऑर्डर करना है ना। हाँ भाई जरूर आना, वैसे भी बहन इतने पैसे खर्च होते हैं और चीज भी कमरे के अंदर फिट ना है तो फिर फायदा क्या। अब ऐसे भी सलाह मशवरे से काम करना अच्छा होता है। वैसे ये भाई साहब इतनी जल्दी क्यों सो गए? हाँ बस आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी बहन। बात करना है जो भी बात करनी है ना, अपने मामू और मामी को लेकर ना मेरे घर पे आना, वहाँ बात करना। देख अभी तो होश में नहीं है, बेहतर है, तमाशा नहीं लगा, चल निकल यहाँ से। तमाशा मैं तेरी जान ले लूंगा, उसको समझता क्या है तू बड़ी टॉप चीज है, तेरी जान ले लूंगा मैं, निकल बाहर। हाथ छोड़ मेरा, तू समझता क्या है मेरी दुकान पे खड़ा होकर तमाशा करेगा, मैं चुपचाप सुन लूंगा, हाथ छोड़ मेरा। अबे नहीं तो क्या करेगा, लड़ेगा मुझसे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बाहर निकल, रूबी सिर्फ मेरी है, निकल। हाथ छोड़ मेरा, चल निकल बाहर, निकल मैं कह रहा हूँ तुझसे। छोड़ो इसे, क्या कर रही है, चलो चलो। अबे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, चलो। अबे यहाँ देखे बहुत जैसे तेरे। इनायत इनायत, मैं जानती हूँ आप सो नहीं रहे, ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस निकाल कर लाई हूँ, पी लें। ज़्यादा मेरा दिल नहीं चाह रहा। अब दिल को इतना दुख देंगे तो उसका क्या करने को दिल चाहेगा? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। ज़्यादा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि खून के रिश्तों में इतना खोट भी हो सकता। खोट तो खून के रिश्तों में होता है, वरना गैरों में इतना हौसला कहाँ। ये ले। शायद तुम ठीक कह रही हो, धोखा खाने से पहले एतबार होना बहुत जरूरी है। देखिए नायर, आपके जलने कुन्ने से आपा की फितरत तो नहीं बदलेगी, अलबत्त आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। और क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी हो और आप तबीयत खराब में उसकी शादी में शरीक हो? प्लीज इनायत, अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा हौसला करें, हिम्मत पकड़ें। वो बेटी पर याद आया कि वो उसकी सास और नंद चली गई क्या? मेरा अंदाजा सही था ना, क्या आप सो नहीं रहे? हाँ जी मास्टर नी साहिबा, आपके सारे अंदाजे ठीक होते। अच्छा चले जूस पिए। वैसे पता है वो रूबी की सास कह रही थी कि एक मशवरा सा दे रही थी कि फर्नीचर के लिए कमरे का वो नाप ले ली।
वैसे बहुत समझदार और बेबाक खातून है। है तो अच्छा, अब आप जूस पिए। अच्छा इलाके छोड़ोगे? हाँ ना, फिर गर्म हो जाएगा, फायदा क्या है। करेगा, लड़ेगा मुझसे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाहर निकल, रूबी सिर्फ मेरी है, निकल। बस अब थोड़ा सा इंतजार हो रहा है शन्नू, फिर तुम मेरी होकर जिंदगी भर सिर्फ मेरे साथ रहोगी। अच्छा जी, मुझे तो लगता है कि आपने अभी से उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अरे उल्टी गिनती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब इन नजरों ने तुम्हें देखा था और दिल ने अपना मकीन बना लिया था। ओहो क्या बात है सारा, लगता है कि आजकल शायरी की किताबें पढ़ी जा रही हैं। शना, जब तुम जैसी हसीन लड़की जिंदगी का हिस्सा बन जाए ना, तो लफ्ज खुद ब खुद ही शायरी बन जाते हैं। अच्छा जी, तो चलिए फिर मुझे ये बताइए कि अपनी जिंदगी के इस हसीन हिस्से की खुशी की कितनी परवाह है आपको? अरे शन्नो, अगर सबूत चाहिए तो आसमां कर देख लो, तुम्हारा ये सारंग तुम्हारे लिए हर हद तक जा सकता। नहीं सारा, जिन पे यकीन होता है ना, उन्हें आजमाया नहीं जाता। बस वैसे ही मुझे तो एक ख्याल आ गया था, यूं ही। कैसा ख्याल? अम्मा के साथ मैं गई थी शॉपिंग पे, तो मुझे कुछ जोड़े ना बहुत अच्छे लगे, प्यारे रंग थे। हाँ, इतना नफीस काम था, बहुत भारी थे ना, तो अम्मा कहने लगी कि इतने भारी महंगे जोड़े तो ससुराल वाले ही देकर आते, वही दिला सकते हैं। बस फिर क्या था सारा, चुप हो गई, छोटा सा दिल लेके वापस आ गई। मुझे एक बात बताएं सारा, जब शादी हमारी है तो अरमान भी हमारे पूरे होने चाहिए ना। बिल्कुल, तुम्हारी हर चीज को तुम्हारी ही पसंद का होना चाहिए। यही तो मसला है ना, यहाँ पे अम्मा के मसाइल आड़े आ जाते हैं और वहाँ पे आपकी मामा और अनायमा की पसंद, तो फिर शन्नो कहाँ जाए और उसकी पसंद। शन्नो तुम फिकर क्यों करती हो, मैं हूँ ना, तुम्हें जो भी ड्रेसेस पसंद है उनकी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दो, बल्कि तुम्हें और भी अगर कुछ अच्छा लगता है ना तो उनकी भी तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दो। क्या वाकई, अब फिर आप खुद करेंगे शॉपिंग मेरे लिए? बिल्कुल, बंदा हाजिरा जनाब, मगर मुझसे एक वादा करें कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। शन्नो बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और आपको पता है सारन, आपकी खुशी में मेरी जिंदगी है। हेलो, आखिर तुम चाहती क्या हो, इस शादी से इनकार क्यों नहीं कर देती, बिला वजह मेरे गले क्यों पड़ रही हो भाई? आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अबे क्या प्रॉब्लम मेरे साथ है, वो तुम्हारा कजन जो है नशे में दूध दुकान पे पहुंच गया था, मेरी धमकियां दे रहा था। जब उससे मोहब्बत करती हो, प्यार करती थी, तो शादी उससे क्यों नहीं कर रही, मेरे गले में क्यों पड़ रही हो तुम? आपने खुद अभी कहा ना कि वो नशे में था, तो आपको क्या लगता कि मुझे किसी नशे करने वाले से शादी करनी चाहिए? सीधा सीधा आप क्यों नहीं कह देते कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बहाने बहाने से मुझ पे इल्जाम लगाते रहते हो। वो मेरा माजी है, आप मेरा हाल है, और अगर आप मेरा मुस्तकबिल नहीं बनना चाहते ना, तो साफ साफ इस शादी से इनकार करते हैं। लेकिन मुझे यूं बार बार फोन करके बेइज्जत मत करें आप। Thank you.
इतनी लंबी जबान इतने भरम। सही है भाई, सही मुसीबत पड़ी है मेरे गले में। टूट टूट के गिरे हैं आंसू, ये जीवन कैसे सुलग रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं, मुझे कोई राह दिखा। एक जाने वो शख्स है जो मेरी ख्वाहिश मेरी मोहब्बत था, उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि अपनी मोहब्बत को भी पशेमान कर दिया, और अब वो मेरी आने वाली जिंदगी में भी अभी से मुश्किलात खड़ी कर रहे। और दूसरी जाने मेरी वालदा की पसंद अख्तर है, जिसे मैं जब भी सोचती हूँ मेरा दिल अंदेशों वसवसों से घिरा जाता है। अरे परवरदिगार, मेरी ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद कीजिए। ना मैं माँ बाप का दिल तोड़ सकती हूँ, ना ही उन्हें इनकार करके उनसे उनकी वाहिद खुशी छीन सकती हूँ। अब जबकि मेरे दिल में मोहब्बत पाने की कोई आरज़ू बाकी नहीं, ऐसे में मैं सिर्फ इज्जत से अपने माँ बाप को खुश देखते हुए ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरी मदद फरमाइए, मेरे हालात को मेरे हक में बेहतर कीजिए। अख्तर, एक तक उठ गया बेटा, चल जा जल्दी से मुझे पठान से पराठे ला दे। अब्बा से मंगवा लो, मुझे दुकान पे जाना है, देर हुई। अब्बा से तो मंगवा ही लूंगी, लेकिन ये तुझे क्या हो गया? कल से मैं देख रही हूँ, जब से तू दुकान से आया है परेशान परेशान सा है। अम्मा एक बात बताओ, सारी दुनिया में तुम्हें रूबी मिली थी है? क्या हो गया, तूने फिर रूबी से बात की है ना? मैंने तुझे मना भी किया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा तो इतना बावला क्यों हो रहा है? अम्मा तो और क्या करता, उससे बात ना करता तो? उसका जो पुराना मंगेतर है कल दुकान पे आया था मुझे धमकी देने के लिए। क्या, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो अब बता रहा हूँ ना, जाके उसके घर वालों से बात करो, बोलो नहीं चाहिए ये रिश्ता हमें, बाड़ में जाए वो लोग। हैं? परेशान तो हूं मैं और खौफ ज़दा भी हूं। मेरा दिल कहता है कि शन्नो की वालिदा जितनी सादा नजर आती है ना, इतनी है नहीं। मुझे तो बड़ी तेज और चलाक खातून लगती है वो। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि नोमी अख्तर की दुकान पर गया था और अच्छा खासा वावेला मचा कर आया। जी,